यहाँ पे मैंने एक कटोरी राइस लिया है, बासमती राइस लिया है, इसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने 5 कटोरी पानी लिया है, हमने 1 कटोरी चावल लिया है तो 5 कटोरी हम पानी लेंगे चावल को उबालने के लिए। इसमें डालते हैं नमक और थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें राइस डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम उबालेंगे। हमारा राइस बनके रेडी है, आप इसे चेक कर सकते हैं या मुंह में डाल के आप देख सकते हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें छलनी रखी है, इसे छान लेते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा ठंडा पानी और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। इस तरह हमारा राइस बन जाएगा। अच्छे से हमने 10 मिनट इसे ठंडा किया था, इस तरह हो जाएगा ये। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम डालते हैं जीरा। इसमें डालते हैं प्याज। एक छोटा प्याज लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट, एक चम्मच कैबेज पत्ता को भी डाली है, गाजर, शिमला मिर्च, इसे थोड़ा पकने देते हैं। अभी इसमें डालते हैं काली मिर्च। सेजवान चटनी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, आधा आधा चम्मच। चिली सॉस आधा चम्मच ही डालना है, रेड चिली सॉस। और सोया सॉस मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने राइस में नमक डाला था, थोड़ा सा नमक इसमें। अब इसमें हम डालते हैं राइस। हमारा राइस एकदम परफेक्ट बना हुआ है, आप भी ऐसे बनाइए, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें आधा चम्मच टोमेटो सॉस, ये सेजवान मसाला है, ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर।
पाओ, मस्त बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और हमारा राइस रेडी है। हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।